वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गणेश जी के प्रिय मोदक बनाएंगे, जो कि मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैं एक चम्मच घी डालूंगी। जैसे ही घी पिघल जाएगा, अब मैं उसमें एक कप जितना दूध डाल दूंगी। दूध हल्का गर्म हो गया है। अब मैं उसमें एक कप मिल्क पाउडर डालूंगी, जिसको मैं दो बार में डालूंगी। पहले मैं हाफ डाल दूंगी, उसको मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। हम धीरे धीरे मिक्स कर लेते हैं। अब बचा हुआ पाउडर भी डाल के दोबारा इसे हमें मिक्स कर लेना है। अब मैं एक विक्स की मदद से अच्छे से इसे हिला दूंगी ताकि नीचे ज़रा सा भी ये ना जमे। इस जब हम ये करें तब हमें गैस की फ्लेम को हमेशा लो रखना है। ये बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब लगातार चलाते हुए ये देख सकते हैं आप, गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसे चलाते रहिए, 10 से 12 मिनट लगते हैं इसे गाढ़ा होने में। इसे लगातार चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से चिपकने का डर रहेगा। अब ये सूख चुका है। अब मैं गैस के आंच को बंद कर दूंगी और इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने तक वेट करूंगी। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ गया है। अब मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। चीनी मेरा मिल्क पाउडर में चीनी वाला मिल्क पाउडर था, इसलिए मैं 1/4 चम्मच चीनी मिलाऊंगी, 1/4 कप चीनी मिलाऊंगी। अगर आपको चीनी मिलाने का मिश्रण सॉफ्ट लगने लगता है तो आप इसको दोबारा गैस में डाल के इसे सुखा लीजिएगा। मैंने इसे दोबारा गैस में थोड़ा रख के इसे सुखा लिया है। मैंने इसमें केसर की कुछ बूंदे भी डाल दिया तो इससे इसका येलो कलर आ गया है। अब मैंने स्टफिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके इसको दरदरा कूट लिया है। इसमें मैंने पिस्ता दिया है, काजू दिया है और आमंड डाला है। अब मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगा लूँगी और इसके पेड़े बना लूँगी। मेरे एक कप में 7 मोदक बन गए हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसे बनाएंगे। मैंने इसको पहले बॉल को रोल किया है, फिर इसे हमें फैला लेना है। फैलाने के बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट की जो स्टफिंग बना के रखी है उसे भरना है। स्टफिंग भरने के बाद हमें इसका मुंह बंद कर देना है दबा के और इसको मोदक का शेप दे देना है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मुझे सांचा नहीं मिलता है, इसलिए मैं हाथ से ही बना रही हूँ। अगर आपके पास सांचा है तो आप सांचे का इस्तेमाल कीजिए। इसे मैं मोदक का शेप दे दूँगी। इसी तरह मैं दूसरे भी बना के रेडी कर लूँगी। अब मैं छुरी की मदद से जो मोदक का ट्रेडिशनल डिज़ाइन होता है वो बना दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने चाकू की मदद से मोदक में
दाग कर दिया है, सभी में दाग करके हम तैयार कर लेंगे। बनके तैयार है हमारे स्वादिष्ट मोदक। इसे गणेश जी को भोग लगाइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। आप सभी का त्यौहार खुशियों से मने, यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।